हेलो इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर बच्चे, लास्ट जो हमारा टॉपिक बचता है इसमें फ़िल्टर बचता है। फ़िल्टर का मतलब होता है टू पास द वांटेड एंड टू रिजेक्ट द अनवांटेड। तो इसको हम कैसे समझाएंगे? मैं इसको ऐसे समझा सकती हूँ, जैसे मैं कहूँ कि जैसे हमारे घर में चाय की छलनी होती है, उसमें हम चाहते हैं चाय तो छन जाए, चाय की पत्ती रुक जाए, तो डिज़ायर्ड को पास कर देना और अनडिज़ायर्ड को या अनवांटेड को रोक देना। तो अब हम जैसे डायोड के टर्म्स में पढ़ रहे थे, रेक्टिफायर के टर्म्स में, मैंने आपको बताया था जैसे आपका फिल्टर है कहाँ पे काम आता है। मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था, पहले आपका ट्रांसफार्मर है जो आप पढ़ चुके हो, फिर आपका रेक्टिफायर है जो आप पढ़ चुके हो, उसके बाद रेक्टिफायर के बाद में आप यहाँ पे फिल्टर लगाते हो और फिर आप वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हो। ये समझाया था ब्लॉक डायग्राम। तो रेक्टिफायर ये क्या है आपका? फिल्टर। तो यहाँ पे रेक्टिफायर के बाद में फ़िल्टर की क्या ज़रूरत पड़ रही है? रेक्टिफायर के बाद फ़िल्टर की ज़रूरत बच्चों ये पड़ रही है कि हम ये चाहते हैं यहाँ पे जो हमें रेक्टिफायर मिलता है, जैसे मैंने आपको रिपल्स बताए थे, आपको यहाँ पे जो डीसी मिलती है वो डीसी आपको प्योर डीसी नहीं मिलती है, उसमें कुछ ना कुछ आपके क्या होते हैं, एसी के कंपोनेंट रहते हैं। तो ये जो ये वाले ये दिस वन, ये वाले जो रहते हैं, हम चाहते हैं ये मिले आपको, ये मिले आपको। अब जो ये अनवांटेड मिल रहा है, ये जो है ये पल्सेटिंग, एसी का मतलब ही क्या, जो पल्स की फॉर्म में है, डीसी तो पल्स की फॉर्म में नहीं होता है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके में इसकी डीसी के डीसी जो आपको मिल रहे रेक्टिफायर से, उसमें जो एसी के पार्ट है, एसी के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी रिपल्स, ठीक है, डीसी में जो आपके एसी के कंपोनेंट है, एसी कंपोनेंट है मतलब जो रिपल्स हैं, उन रिपल्स को रिमूव करने के लिए, मतलब आउटपुट पे इस वोल्टेज रेगुलेटर पे जो आपको मिले वैल्यू, वो पूरी की पूरी डीसी मिले। यहाँ से प्योर डीसी नहीं मिल रही है, तो हमें बीच में फिल्टर लगाना पड़ेगा जो डीसी को तो पास कर देगा और एसी को के कंपोनेंट्स उसमें हैं, 3%, 4%, 10%, 20% जो भी हैं, उसको क्या कर दे, रोक दे, ठीक है। तो इसी सीरीज में जब मैं आपको बता रही हूँ, तो देखिएगा इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, शंट कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर और आपका क्या है, सीरीज एलसी फिल्टर। सबसे पहले मैं आपको समझा रही हूँ शंट कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है। तो देखिएगा सर, शंट कैपेसिटर फिल्टर, तो जैसे मैं हाफ वेव रेक्टिफायर कर समझा रही, वैसे ही फुल वेव के लिए हुआ, ठीक है। तो जैसे ये आपका ट्रांसफॉर्मर था, ठीक है, ये आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग थी, यहाँ पे आपकी एसी कनेक्टेड थी, ठीक है, यहाँ पे रेक्टिफायर था, वो आपका डायोड था, रेक्टिफायर बन गया था आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लोड था, और तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शंट कैपेस, शंट का मतलब होता है पैरेलल, शंट का दूसरा नाम होता है पैरेलल। हम पैरेलल लोड के पैरेलल में आपको क्या लगा देंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे। तो ये बन गया शंट कैपेसिटर फिल्टर। अब क्या होगा, इसको लगाने से हमें फ़ायदा क्या होगा? इसको लगाने से ये फ़ायदा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, जब ये कंडक्ट करेगा डायोड, तो जब डायोड कंडक्ट करेगा, यहाँ पे डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा सिर्फ, ये पता है ना आपको, डायोड जो है यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो उस केस में जब ये कंडक्ट करेगा, तो ये जो कैपेसिटर है क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जो कैपेसिटर है पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और जब आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड तो कंडक्ट करेगा नहीं, तो उस टाइम पे ये जो कैपेसिटर जो चार्ज हुआ हुआ है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये लोड को क्या कर देगा, लोड के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब ये अपनी सारी एनर्जी को किसको दे देगा, लोड को दे देगा। इससे ये क्या होगा, इससे आपका जो डिस्चार्ज होने का टाइम है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का टाइम, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका टाइम क्या हो जाएगा, बढ़। तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो डायोड के थ्रू चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज किसके थ्रू हो रहा है, लोड रेजिस्टेंस के। और ये जो डिस्चार्ज होने वाला टाइम है, ये क्या होता है, इस डायोड के कंडक्ट होने से क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब जो डिस्चार्जिंग टाइम है, डिस्चार्जिंग टाइम जो है, टाइम इज़ मोर देन चार्जिंग टाइम,
ठीक है। इससे क्या होता है, जब ऐसा होगा तो इससे क्या होगा, क्योंकि आपका जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो इससे क्या होगा कि डिस्चार्जिंग टाइम में कैपेसिटर में जितने भी चार्ज की हमारी क्या होगा, लॉस होगा, जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो लॉस नेक्स्ट वाले में पूरा हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका जो नेगेटिव हाफ साइकिल जो आ रही थी, ठीक है, आपका क्या हो जा रहा है उस केस में, आपके जो पल्सेटिंग थी, जो एसी के कंपोनेंट थे, वो क्या क्या हो जा रहे थे, आपके एसी के जो कंपोनेंट थे वो आपके क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। समझ आई मेरी बात? अगर मैं इसको ऐसे भी समझाऊँ, अगर आप सोचो मैडम ये कैसे हो रहा था, देखिए एक्सी बराबर 1/2 πfc, हम ये तो चाहते हैं ना कि वो पास ना हो, पास का मतलब है ड्रॉप हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर के रिएक्टेंस कहते हैं, तो एक्सी बराबर 1/2 πfc होता है, तो कैपेसिटेंस आपका सी जो है वो जितना ज़्यादा होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में सी जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, एक्सी क्या होगा आपका, उतना कम होगा। अब यहाँ पे सी क्या है, सी तो वहाँ पे पहले ही क्या है, कम है, तो एक्सी क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। जब आपका रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वहाँ पे क्या होगा, वो एसी को उस टाइम पे बहुत से कम ना के बराबर क्या करेगा, पास करेगा। आपकी रिएक्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, मतलब वो उसको पास नहीं होने दे रहा है। भाई मेरी बात समझ? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डीसी जाने से रुक जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बता रही हूँ आप उतना पढ़ के ही आपका वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर मुझे उसके लिए लगाना हो सेंटर टैप के लिए, तो सेंटर टैप के लिए भी लग जाएगा, ये है सी, ये यहाँ लगेगा, ठीक है, सेंटर पे, और इसी तरह आपका आ रहे तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, आई मेरी बात समझ। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका इनपुट इंडक्शन फिल्टर, ठीक है, क्या है आपका इनपुट इंडक्शन फिल्टर, तो इनपुट इंडक्शन फिल्टर, ये इंडक्शन फिल्टर क्या है, इंडक्शन फिल्टर मतलब हम उसमें कैपेसिटर की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, इंडक्टर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये पैरेलल में यूज़ हुआ था वो हमारा सीरीज़ में यूज़ होगा। तो देखिए ज़रा इंडक्शन फिल्टर कैसा होता है, डायग्राम मैं यही बना दे रही हूँ इंडक्शन फिल्टर का, ये देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा मैं इसे डिटेल में खींचना नहीं जा रही हूँ टॉपिक को, ये पता नहीं आना है नहीं आना, आई डोंट नो, ठीक है, इंडक्शन फिल्टर तो ये सीरीज़ में लग जाएगा और ये आपका आ रहा जाएगा। अब आपको ये पता है कि हमारा जो ये जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, फिल्टर की तरह काम करेगा। हमें पता है कि इंडक्टर क्या करता है, अपने में बहने वाली करंट का क्या करता है, अपोज करता है, अपने में से बहने वाली करंट का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम इंडक्टर है। तो इंडक्टर के इस गुण को ही हम क्या करेंगे, फिल्टर की तरह काम कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जैसे यहाँ कर रहा था ऐसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में रेक्टिफायर की क्या करेगा, कॉइल का इंडक्टेंस जो है डीसी में बहने वाली करंट का क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है, ठीक है। तो उस केस से क्या होगा, उससे हमारा होगा क्या, तो जो ऐसे उसमें कैपेसिटर में कह रहे थे ऐसे इसके अंदर कहेंगे कि फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो क्या करेगा, करंट को बहने से जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो करंट बह रही है उसका विरोध करेगा, तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में विरोध करेगा और उसी को किस में ऊर्जा के रूप में क्या करेगा, जैसे वो चार्ज को स्टोर करता है ऐसे ये क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर कर लेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या करेगा, उस एनर्जी को क्या कर देगा, लोड को दे देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, उसके जो जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से जो उसमें क्या आ रहे थे, एसी के कंपोनेंट आ रहे थे, जैसे यहाँ कम हो जा रहे थे, ऐसे क्या हो जाएंगे, यहाँ कम हो जाएंगे, आदि मेरे पास समझ। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये आपका हो गया इंडक्शन फिल्टर। अब जैसे मैं सीरीज़ एलसी फिल्टर की बात करूँ, तो सीरीज़ एलसी फिल्टर क्या है, इन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो जैसे मैं कहूँ सीरीज़ एलसी फिल्टर में, जैसे मैंने ये यहाँ बना देती हूँ सेकेंडरी वाइंडिंग को दिखा के, तो ये तो एल सी लगाया, ठीक है, यहाँ पे आपने एल लगाया और ये क्या लगाते हैं, एल सी फिल्टर बन गया, ये बन गया एल, ये बन गया सी, और ये क्या हो गया आपका आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके जो कम पहले इसमें चार्ज होगा, फिर इसके थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे आपके जो ये वाला जो आपका है एल सी फिल्टर, ये वाला आपके आउटपुट को प्योर डी सी में देने में क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है।
तो ये क्या है, इसको हम पाई फिल्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। ये पाई की फॉर्म में है ना ऐसे, तो ये आपके फिल्टर, ज़्यादा इसमें हम खींचेंगे नहीं, और जितना हो गया बस इतना ही सफिशेंट है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट अब जो स्टार्ट करूँगी वो BJT स्टार्ट करूँगी, ट्रांजिस्टर, ठीक है। थैंक यू।